कुछ दिनों पहले माहिम पुलिस स्टेशन में एक बीफ की दुकान से एक्सट्रॉशन फिरौती मांगने की FIR रजिस्टर की गई थी, और ये भी कहा गया था कि वो फिरौती मांगने वाला बजरंग दल का कार्यकर्ता है। जब हमने बजरंग दल के पदाधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई कार्यकर्ता के खिलाफ FIR कोई हुई नहीं है। इसके ऊपर हमने जब राजीव चौबे जी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने उससे इनकार किया है कि मतलब हमारे कार्यकर्ता के ऊपर ना FIR हुए और ना ही वो कार्यकर्ता का बजरंग दल से कोई संबंध है। हमारे साथ राजीव चौबे जी है, उनसे ही सीधा बात करेंगे कि क्या एग्जैक्टली वो मामला क्या है। कुछ दिनों पहले संदीप वैद्य नाम के एक व्यक्ति का एक गली न्यूज़ के माध्यम से मुझे विषय पता चला, और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी 25 तारीख के दिन वो न्यूज़ लगाई। उसमें स्पष्ट कहा गया कि ये बजरंग दल का कार्यकर्ता है, बजरंग दल का कार्यकर्ता 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी और उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरा इस विषय में कहना ऐसा है कि बजरंग दल का ऐसा कोई कार्यकर्ता है ही नहीं, संदीप वैद्य का बजरंग दल से कोई लेना देना नहीं है। और संदीप वैद्य का जब आरए हमने कोर्ट में पढ़ा, जब रिमांड एप्लीकेशन 25 तारीख को जब उसका आया, उसमें बजरंग दल का कहीं नाम निशान नहीं है। दूसरा विषय ऐसा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता ये न्यूज़ चैनल कैसे स्पष्ट करके बता सकते हैं बिना पुलिस इन्वेस्टिगेशन के? ये गली न्यूज़ कौन होता है बताने वाला कि बजरंग दल का कार्यकर्ता है? हिंदुस्तान टाइम जैसा पत्र ये प्रेस इस तरह से कैसे बता सकता है कि ये बजरंग दल का कार्यकर्ता है? अगर आपको किसी ने कंप्लेंट की है तो बजरंग दल के लोगों से एक बार आप उनकी व्यू लीजिए, फिर आपको जो न्यूज़ लगाना लगाइए, देश में स्वतंत्रता है लगाने की। लेकिन किसी भी राष्ट्रभक्त चैनल को आप इस तरह से बदनाम करोगे, राष्ट्रभक्त संगठनों को बदनाम करोगे तो ठीक है, ठीक नहीं है। जब आपको इसके बारे में पता चला कि कोई शख्स आपका मतलब कार्यकर्ता के ऊपर FIR हो चुकी है माहिम पुलिस स्टेशन में, तब आपने वहाँ पे सीनियर PI से कुछ बातचीत की, आपको क्या पता चला कि वो आपका कार्यकर्ता था, कंफर्म आपको पता था? मैं तुरंत, पहली बात, अगर हमारा कार्यकर्ता होता था तो हमको उसी दिन पता चलता था। हमको तो न्यूज़ चैनल के माध्यम से मालूम पड़ा कि बंदल का कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ है बंदल के नाम पे। हमने इंक्वायरी की, तपास की, कोर्ट गए, कोर्ट से हमको पता चला कि हमारा सब कोई लेना देना नहीं है। हमने तुरंत उस विषय की 25 तारीख के शाम को हमने लेटर डिस्पैच किया पुलिस स्टेशन में कि बजरंग दल के नाम को अगर कोई बदनाम करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। जब बजरंग दल का कोई कार्यकर्ता संदीप वैद्य ही नहीं है तो उसको नाम को बदनाम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि शायद उसके पास कोई आईडी कार्ड मिला हुआ है। अगर आईडी कार्ड मिला हुआ है तो आईडी कार्ड तो एक बार हमको दिखाना चाहिए कि भाई आईडी कार्ड आपका है क्या। और पूरे देश में बजरंग दल का कोई आईडी कार्ड नहीं है, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, मुंबई महाराष्ट्र में एक भी बजरंग दल के कार्यकर्ता को हम पहचान पत्र देते नहीं है। अगर ऐसा कोई वहम पालता है तो ये गलत है, उसके खिलाफ आप स्थानीय पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कीजिए, हम भी उसको चीटिंग केस करने को तैयार है। हमने स्पष्ट पुलिस स्टेशन को लिख के दिया है कि बजरंग दल का नाम बदनाम करने वालों के ऊपर आप कड़ी सी कड़ी कार्रवाई करें, हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन बजरंग दल आज देश के लिए काम करता है, आज मुंबई में पानी भरा तो कई ठिकानों में बजरंग दल के कार्यकर्ता उतरे ना। हमने सोशल मीडिया में फोटो नहीं डाला कि हम काम कर रहे हैं, हम काम करने वाले लोग हैं, लोगों की मदद करना, देश की सेवा करना हमारा काम है। लेकिन धार्मिक संगठन को अगर गली न्यूज़ जानबूझ करके इसमें धार्मिक द्वेष लेकर अगर हमको टारगेट कर रहा है तो ये गलत है। मैं उनसे विनती करूंगा कि आप इस तरह से धार्मिकता अपने पत्रकारिता के चैनल में ना लेके आए। आपको अगर है कोई हमसे तकलीफ है आप हमसे स्पष्ट कहिए, लेकिन बजरंग दल जैसे राष्ट्रभक्त संगठन को बदनाम करना ये उचित नहीं है। मैं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को यही बताना चाहूँगा कि देश में जानबूझ के बजरंग दल का नाम बदनाम करने के लिए, राष्ट्रभक्तों का नाम बदनाम करने के लिए ये बहुत बड़ी वे चल रही है, इससे सावधान रहे। और आज व्यूवर्स को भी ये कहूँगा कि ऐसे जो चैनल और इस प्रकार के जो पत्रकारिता जो जिन्होंने प्रेस खोला है और जानबूझ के हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश करते हैं, उनका बायकॉट करना चाहिए। हमारे जो लीगल टीम है हिंदुस्तान टाइम्स और गली न्यूज़ को लीगली नोटिस भेज करके उनसे इसका स्पष्टीकरण मांगकर उन पर कार्रवाई करेगी। अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो हमें कार्रवाई के लिए जाना पड़ेगा।